देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा है ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर। किसी भी अंक का स्क्वायर या वर्ग हम कैसे करेंगे, वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, चार एग्जाम्पल लिखे हैं, और इस ट्रिक से अगर स्क्वायर करोगे तो बहुत जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा, ना वैसे टाइम बहुत लगेगा। देखो हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसकी 2 बार गुणा करना होगी तुम्हारे लिए, 14 गुणा 14। और ऐसे रख के करोगे, ऐसे करोगे, और टाइम बहुत लगेगा लगेगा। यहां पर कैसे करेंगे तो सुनो ध्यान से, ये कितने लिखिए, चार, चार चौक यहां लिख दिए, ठीक है। और एक की एक से गुणा करो, एक एकड़ इतना कर सकते हो सब लोग। फिर देखो यहां 1, यह कितना है 4, यह कितना है 2, इनकी गुणा कर दो। एक की 4 से गुणा करेंगे, 4 आएगी, 4 दूनी 8, एक अंक छोड़ के 8 लिख दो, इधर वाला एक अंक छोड़ के, और इसे जोड़ दो, 6 9 1 आंसर। इतना ही होता है 14 का स्क्वायर। यस सर। नहीं आई समझ में, दूसरा फिर देखो, अगर नहीं आया, एक से नहीं आया तो दूसरा 26 का देखो, 676 होता है 26 का। इससे कैसे करेंगे, पहले 6 6 36 यहाँ लिख लो, ठीक, 2 दूनी 4, इतना कर सकते हो। अब क्या कर रहे हैं हम, 2 गुणा 6 गुणा 2, 2 ऊपर है, इन तीनों की गुणा कर दी हमने, इसकी इससे, इसकी इससे, हाँ 2 6 12, 12 दूनी 14, एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, 6 7 676। अभी बताया मैंने 676 आएगा, समझ आया सबके। जी। अच्छा और एग्जाम्पल ले लो, बड़ा है 49, कितना है 49 का स्क्वायर, काफी टाइम लगेगा ऐसे ऊपर नीचे रख के गुणा करने में, तो सुनो ध्यान से, 9 ने 9 ने 81 है लिख दिया, ठीक है, और 4 चौक 16 लिख सकते हो, जी। चारों की इन तीनों गुणा कर लो, 4 गुणा 9 गुणा 2, इसकी इससे फिर इससे, 4 ने 36, 36 दूनी 72, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ये ध्यान रखना, उधर से एक अंक छोड़ना है, 1 0 हंसी लगा, 13 और 1 14 14 आंसर। समझ में आया सबके, ये सबसे बड़ा है 99 का स्क्वायर, ये करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 99 वाला, 9 ने 81, फिर 9 ने 81 लो, फिर 9 गुणा 9 गुणा 162, 162 क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 162 जोड़ो, कितना हो गया, 0, और 7 और 1 8, और ये कितने हो गए, नौ आंसर। समझ में आया सबके,